आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी उत्तर प्रदेश से। आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं सीएससी के माध्यम से यूपी पेट सर्विस के बारे में। पहले तो ये समझेंगे कि यूपी पेट सर्विस क्या है और इसको वीएलई किस तरीके से और किन टारगेट ऑडियंस को लेकर के इसमें आगे बढ़ सकता है। इसको लेकर के हमारी सहयोगी संस्था ग्रोपस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से श्री राजीव मलिक जी हमारे साथ हैं, जो इस पे हमें विशेष जानकारी देंगे। तो राजीव सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। शुरुआत करें और पूरा थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे बीएलई भाइयों को और साथ में हमारे दर्शकों को कि यूपी पेट है क्या और इसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ के और काम कर सकते हैं। राजीव सर, ओवर टू यू। नमस्कार सब वीएलई भाइयों को। अजय, आपको हमें ये मौका देने के लिए, यूपी पीटी एग्जाम क्या है उसके बारे में जानकारी देने के लिए और किस तरह से इसको इस वक्त पे यूपी में किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूपी पीटी का एग्जाम पहले जानते हैं कि ये है क्या एग्जाम। यूपी पीटी का एग्जाम यूपी एसएससी का के डिविजन ले रही है। ये एग्जाम एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिससे ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों की भर्ती की ये परीक्षा मानी जाती है। ये पहले भी किया जा चुका है और ये दोबारा से किया जा रहा है और इसमें जैसे हमारे यहाँ पे लेखपाल, पटवारी और इस तरह के एग्जाम्स को बहुत बहुत लिया जाता है, तो सरकार ने इसको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तरह बनाया और बोला कि इसको हम पीटी, यूपी पीटी के नाम से इसको आगे चलाएंगे। अगर आप ये स्क्रीन को देख रहे हैं तो यूपी पीटी का एग्जाम 2022 का 37 लाख से भी अधिक बच्चे इसमें एप्लीकेशन भर चुके हैं और ये सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। सरकारी परीक्षा का प्लेटफॉर्म जो सीएससी के वीएलईज के थ्रू इन बच्चों तक पहुंचाया जाता है, उस पे यूपी पीटी का एग्जाम और उसकी के साथ 150 से भी अधिक सेंट्रल और स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी हम बच्चों को कराते हैं और ये बच्चे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में ये तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास हमारे एग्जाम्स में हमारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिनको वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम पे, लिखित माध्यम पे यहाँ पे अवेलेबल किया जाता है। ऑनलाइन तैयारी के लिए बहुत अलग अलग तरीके के मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारी चीजें उन बच्चों को दी जाती हैं। हमारे पूरे प्रोडक्ट की यूएसपी है हमारी रिपोर्ट, हम तरीके की रिपोर्ट एक बच्चे को प्रोवाइड करते हैं हर मॉक टेस्ट पे करने पे। करंट अफेयर्स के अंदर भी बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी जाती हैं वीडियो के माध्यम से, रोज की खबरें, और हम उसको एग्जाम गुरु बुलाते हैं। चौथा, हम बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट के वीडियोस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वीडियोस, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस, करंट अफेयर्स के वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस, ये भी सारी चीजें 150 से अधिक एग्जाम के लिए, जो सेंट्रल और स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, हमारे यूपी स्टेट के एग्जाम्स, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के एग्जाम्स, ये सब एग्जाम्स किए जाते हैं। और आप अगर यहाँ पर नोटिस करें तो हमारा एक प्लैटिनम प्लान है ₹2100 का, जिसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी एग्जाम का जो बच्चा सिलेक्ट करता है, उसके सब्जेक्ट टेस्ट, उसकी स्टडी मटेरियल, उसके वीडियोस, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सारी चीजें हम उस बच्चे को ₹2100 पर एग्जाम में प्रोवाइड करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये ₹2100 वाला प्लान यूपी पीईटी के टेस्ट के लिए मात्र ₹500 में एक स्पेशल 500 के नाम से इस प्लान को रखा गया है, जो एक स्टूडेंट पास के किसी भी वीएलई सेंटर पे जाकर इसकी सुविधा उठा सकता है। तो जैसे मैंने आपसे शेयर किया, 37 लाख से ज्यादा बच्चे, और इन बच्चों को ₹2100 का प्लान सीएससी सेंटर्स के माध्यम से ही स्पेशल 500 के नाम से प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे वो अपनी तैयारी को पुख्ता कर और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन एग्जाम्स को क्लियर करके नौकरी पा सके। तो मैंने जैसे आपसे बोला कि ये वाली
परीक्षा की तैयारी के लिए आप पास के किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें अपने आप को रजिस्टर करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करा जाए, हमारे वीएलई भाई बहन उन पे लॉगिन करके उसमें सर्च में जाकर सरकारी परीक्षा का स्पेशल एग्जाम को क्लिक करें, हमने इस स्क्रीन पे ये दिखाया है, और बच्चे की रजिस्ट्रेशन करें उसके मोबाइल नंबर को पहले डाल के। जैसे ही उस बच्चे का मोबाइल नंबर डालेंगे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से उसका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाता है जिसमें बच्चे की डिटेल के साथ साथ हमने एग्जाम की कैटेगरी जिसको हम यूपी एग्जाम करके डालें, एग्जाम का नाम जिसको हम यूपी एसएसएससी पीईटी करके डालें क्योंकि ये एग्जाम का नाम है, और प्लान जैसे हमने आपसे बोला 2100 रुपए का प्लान स्पेशल 500 के नाम से दिया जा रहा है इन बच्चों के लिए इस एग्जाम के लिए, उसको सिलेक्ट करें और इसको सबमिट का बटन प्रेस कर दें। ये बटन प्रेस करने के बाद ये कॉन्फर्मेशन की स्क्रीन आएगी कि ये 500 रुपए की पेमेंट करनी है, इसको पे नाउ करके बच्चा आपको कैश में या कैसे भी जैसे भी वो अपनी पेमेंट आपको करता है एट अ वीएलई सेंटर वो आपको पेमेंट करेगा, और ये वाला पेमेंट होने के बाद ये रिसीट जनरेट हो जाएगी और बच्चा जिसकी हमने फोन नंबर पहले मांगा था उसके ओटीपी की वेरिफिकेशन के साथ उस पर उसका यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाएगा जिसमें वो सरकारी परीक्षा के प्लेटफॉर्म पे आकर अपने यूजर आईडी पासवर्ड को इस्तेमाल करके अपनी इस एग्जाम की तैयारी यूपी एसएसएससी पीईटी की एग्जाम की तैयारी उसको वो बहुत आराम से कर सकता है पूरी तरह। मैं आप सब लोग जो इसमें जुड़े हैं उन सबके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा, 37 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस एग्जाम के लिए भरा है, लेकिन उनको बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम कि इसकी तैयारी कैसे करें, वो कुछ किताब से पढ़ रहे हैं कुछ किसी टीचर की मदद ले रहे हैं, लेकिन हमने इस पूरे कोर्स को बहुत क्लियरली ऐसे बांधा है कि अगर बच्चा उसको ढंग से करेगा तो उसकी सक्सेस की तरफ ये रास्ता बहुत आसानी से खुल जाएगा। हम सबके लिए एक सुनहरा मौका है कि अपने क्षेत्र के हर घर में हम इसको पहुंचाएं, अब उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन बच्चों ने एक एग्जाम की तैयारी भरी है। बहुत सिंपल है, आप ही के वीएलई सेंटर पे आप ही अपने आसपास के बच्चों को रजिस्टर करके इन एग्जाम में वो कैसे तैयारी करें उस पर मदद कर सकते हैं। धन्यवाद अजय जी, आप अगर इसमें कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। इसमें जैसे कि एक तो आपने बताया कि जो ओटीपी जिस मोबाइल नंबर से ली जाएगी, मोबाइल नंबर को जो हम ऑथेंटिकेट करेंगे उसी मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी और पासवर्ड उस बच्चे का जाएगा। अगर बाय द वे उसके पासवर्ड का कुछ जी तो आपने जैसे बोला अजय जी, बिल्कुल बच्चे का मोबाइल नंबर डलते ही पहले उसकी ओटीपी से उसका मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसी मोबाइल नंबर के ऊपर बच्चे की रजिस्ट्रेशन होते ही उसका यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट कर दिया जाएगा जिसके जिसको यूज करके वो सरकारी परीक्षा पे आकर लॉगिन की डिटेल्स है उसकी इसकी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सर थोड़ा सा मैं आपको चाहूंगा कि थोड़ा यूपी पैट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएं कि इसमें किस किस तरीके की एग्जामिनेशन, मतलब जॉब के लिए अवसर होता है, क्या ये जॉब गारंटी है कि इसमें मिलने के बाद गवर्नमेंट जॉब देती है, थोड़ा सा इसको और डीप में बताएं सर। जी बिल्कुल, तो क्या है, सरकार ने अलग अलग जितने भी हमारे ग्रुप बी और सी पदों की भर्ती होती थी उन सबके एग्जाम्स अलग अलग होते थे। जैसे अगर हम बात करें, हमने यहां पर आपको मेंशन करके दिया है कि यूपी लेखपाल का जो एग्जाम होता है, एक्सरे टेक्नीशियन का जो एग्जाम होता है, कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम होता है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स की अलग अलग टेस्ट किए जाते थे। तो यूपी सरकार ने उसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि जो ग्रुप बी और सी लेवल की तैयारी है उसको इसको बुलाया जाता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये माना जाता है इसमें जो एलिजिबिलिटी रहती है वो हाई स्कूल पास होना चाहिए बच्चा, तो वो ये एग्जाम्स को दे सकता है। और सरकार ने आसान कर दिया, सरकार ने बोला एक बच्चे को 3-4-5 अलग अलग एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है, एक ही ये टेस्ट लेने से
उसके अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो ये मल्टीपल जितनी भी अलग अलग हमने ये बात करी ग्रुप बी और सी लेवल एग्जाम्स की, इन सब एग्जाम्स में उसकी ये रिजल्ट्स को वैलिड माना जाता है और ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट है उस बच्चे का। और ये बहुत जरूरी है, जैसे आप देख ही रहे होंगे 37 लाख बच्चा है जिसने इसके लिए अप्लाई किया। ये 2021 में भी कराया गया था और ये 2022 में और ज्यादा बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है। तो एक ही टेस्ट आपके लिए एज ए स्टूडेंट बहुत सारे दरवाजे खोलता है अगर आप उसको क्लियर करते हैं नौकरी पाने के लिए। जी, तो इस प्रकार से ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई गवर्नमेंट की भी कि एक कंसोलिडेट एक एग्जाम लिया, एक ही जगह पे सारा एग्जाम हुआ, एग्जाम कराया और उसके बाद रैंकिंग और वेटेज के हिसाब से बच्चे को उसकी पोस्ट के लिए एलिजिबल मानते हुए आगे की मेंस की एग्जामिनेशन और तमाम सारी चीजें कराई जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोगों के समय में हर परीक्षा के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होता था, अलग अलग डॉक्यूमेंट लगाओ, अलग अलग फॉर्म भरो, अलग अलग तैयारियां करो और अंतिम में मतलब कोई इंफॉर्मेशन का कोई कॉमन जगह नहीं था, साथ में अलग अलग किताबें खरीदो। तो ये बहुत अच्छा है और इसमें साथ में जो ये 37 लाख जो हमारे पास, सर मैं ऑनलाइन बीसी में हूँ संक्षेप, तो ये सब सारी चीजें हैं तो इसमें हमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इस यूपी पैट के माध्यम से किया जा रहा है। तो मेरा थोड़ा सा मैं इसमें और जानना चाहूंगा कि एक रियली अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे ढूंढे, जो बच्चे हैं उनको कहाँ से और किस तरीके से अप्रोच करें, थोड़ा सा इसमें सर अपना एक सुझाव दें। जी बिल्कुल, तो हमारे वीएलई सेंटर्स को अगर हम देखें तो हमारा वीएलई के आसपास अगर हम 37 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने इस एग्जाम की तैयारी को भरा होगा। ये तो हम में से किसी से छुपा नहीं है। और अजय जी, मेरे को याद है जब पीछे कुछ सालों में यूपी लेखपाल पटवारी का जब एग्जाम हुआ और मैं यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा था तो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ही ऐसे हो जाता है कि जैसे सब कुछ बंद होता है, जैसे लगता है कि इलेक्शन हो रहा है कुछ। तो ये इतनी जनसंख्या जब हमारी इन एग्जाम्स को देती है, अभी हमारे 37 लाख बच्चे हैं जो देने वाले हैं, तो हर क्षेत्र में हमारे परिवारों में बच्चे हमको मिलेंगे और हमारे वीएलई से बेटर वहां पर कोई भी नहीं है। क्योंकि पहले तो हमारे वीएलई के पास ही बहुत फुटफॉल आ रही है, तो वीएलई अगर अपने यहाँ पर ही एक पोस्टर ही लगा ले, हमने ये प्रेजेंटेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करी, एक बेसिक सिर्फ हाथ से ही चाहे लिख कर लगा ले कि हमारे यहाँ पर यूपी एसएसएससी पीईटी की तैयारी कराई जा रही है और मात्र 500 रुपए में कराई जा रही है, तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा ये है कि हम अपने आसपास लोगों को बताना शुरू करें। बहुत सारे हमारे वीएलई भाई बहनों को तो अपने परिवार में ही बहुत सारे ऐसे युवा मिल जाएंगे जो जिन्होंने इन एग्जाम्स को भरा है, तो किसी एक को बताया और उन्होंने अपने 10 दोस्तों को बताया तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है वीएलई नेटवर्क कि हम अपने ग्रुप्स में डाल सकते हैं, हम अपने आसपास लोगों को बता सकते हैं, हम अपने सेंटर पे लगा सकते हैं, तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर ही हम कोशिश कर सकते हैं कि ये 37 लाख के 37 लाख लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। और ये बहुत सिंपल है, ये अपने पास के सीएससी सेंटर पे अगर आते हैं और अपने वीएलई के पास ही जाते हैं तो ये बच्चे के लिए ये स्पेशल प्लान अवेलेबल है जो 500 रुपए मात्र में उनको मिल जाएगा। सर थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं कि जब बच्चे को यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो क्या वो जैसे कि यूजर आईडी पासवर्ड से स्पष्ट है कि वो ऑनलाइन इस पे तैयारी करेगा, तो ऑनलाइन तैयारी क्या ये मोबाइल के लिए भी कंपेटेबल है या सिस्टम पे ही इस पे पढ़ाई हो पाएगी, और पढ़ाई का टाइमिंग क्या होगा, या थोड़ा सा इसको और ब्रीफ में बताएं। जी, सो जैसे मैंने आपसे कहा, जब एक बार एक बच्चा रजिस्टर कर लेगा तो उस बच्चे के पास उसका सारा स्टडी मटेरियल, उसी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड उसके वीडियोस, उसके पास अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, वो कितने भी मॉक टेस्ट को लेकर अपनी तैयारी को जान सकते हैं। तैयारी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है कि मेरी तैयारी कितनी पुख्ता है, ये मैं कैसे जानूं, तो उसकी रिपोर्ट्स, और हम हमेशा सरकारी परीक्षा में कहते आए हैं कि हमारी रिपोर्ट्स हमारी यूएसपी है, हम बच्चे को बता पाते हैं कि उसकी हर सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं,
सब्जेक्ट के अंदर हर टॉपिक में कितने नंबर है, वो पेपर को करने में वो कितना वक्त लगा रहे हैं, और वो कहीं ज्यादा वक्त तो नहीं लगा रहे हैं एलोकेटेड टाइम से। फिर मैंने अगर 100 सवालों का जवाब दिया तो उसमें मेरे अगर 40 या 50 सवाल गलत थे तो उसका सही जवाब क्या है, हम उसको ये बता पाते हैं कि उसको कौन कौन से टॉपिक्स में हर सब्जेक्ट के अंदर तैयारी को और पुख्ता कर लेना चाहिए। फिर अगला टेस्ट देते ही हम उसको बताते हैं उसकी प्रीवियस एग्जाम में किस तरह के नंबर आए थे, उन्होंने कितनी तैयारी करी और क्या वो बेटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस तरह की ये रिपोर्ट्स हम उस बच्चे को हर मॉक टेस्ट के बाद प्रोवाइड करते हैं, उसको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास एक स्पेशल सेक्शन है जिसमें हम उसको प्रीवियस जो पेपर्स आए हैं पीईटी के, पीईटी पिछले 2 साल से किया जा रहा है तो ये 2 साल किस तरह का ट्रेंड रहा, किस तरह के पेपर्स आए, वो सारी भी चीजें हम उस बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें उस बच्चे को उपलब्ध है इस 500 रुपए के अंदर ही। और जैसे मैंने बोला कि एक स्पेशल प्लान है, 2100 रुपए का प्लान 500 रुपए के अंदर। और जैसे आपने दूसरी चीज पूछी क्या वो मोबाइल के ऊपर कर सकता है, बिल्कुल, ये उसको वेब के ऊपर किसी साइबर कैफे में जाकर, कंप्यूटर सेंटर पे जाकर या अपने मोबाइल के ब्राउजर के थ्रू भी वो बच्चा इसकी पूरी की पूरी तैयारी कर सकता है, उसको कोई भी और इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जैसे कि आपने बताया कि ये यूपी पैट की एग्जामिनेशन 16 अक्टूबर को होनी तय है जी जी, तो क्या ये इसकी सब्सक्रिप्शन 16 अक्टूबर के बाद खत्म हो जाएगी या ये आगे एक्सटेंड करेगा रहेगा, बच्चे के लिए कोई समय अवधि है इसको लेकर? नहीं, ये जो पूरा प्लान है इसकी एक्सपायरी 1 साल तक रहेगी, 1 साल 12 महीने की वैलिडिटी है। क्योंकि क्या होने वाला है, सरकार इस एग्जाम को दोबारा कराएगी और पहले तो हमें यही नहीं पता, हम ये मान के चलते हैं कि ये 15 और 16 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा आज रजिस्टर करेगा पूरे 1 साल के लिए ये प्लान उस बच्चे के लिए उपलब्ध रहेगा कि जब भी उसको दोबारा जरूरत पड़े तो उसकी तैयारी वो सेम लॉगिन डिटेल के साथ कर सकते हैं। तो ये 1 साल का जो वैलिडिटी है ये 2100 रुपए प्लैटिनम प्लान के लिए है कि स्पेशल प्लान के लिए सर? जी, ये 2100 रुपए वाले प्लैटिनम प्लान की वैलिडिटी 1 साल की है, लेकिन क्योंकि हम ये इसको एक स्पेशल ऑफर में बच्चे को 500 रुपए में दे रहे हैं, इसकी वैलिडिटी बदलेगी नहीं, वो पूरे 1 साल की ही रहेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि अच्छा, जैसे कि आपने स्पेशल प्लान में बताया कि वीडियो और तमाम सारी चीजें, वीडियो स्टडी मटेरियल और पीडीएफ स्टडी मटेरियल वो सारे अवेलेबल होंगे पीडीएफ मोड में भी, टेक्स्ट मोड में, तो क्या ये स्पेशल प्लान में भी ये वीडियो और सारी चीजें अवेलेबल होंगी जो 2100 की पूरी प्लान है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको ये बोला बच्चा सिर्फ 500 रुपया दे रहा है, जो उसको सारे के सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं वो प्लैटिनम प्लान के ही दिए जा रहे हैं जो 2100 रुपए के हैं, हम उसमें कहीं भी कोई भी कटौती नहीं कर रहे पीईटी के एग्जाम के लिए। ये स्पेशल ऑफर सिर्फ यूपीएसएसएससी पीईटी एग्जाम के लिए खोली गई है और ये सिर्फ ऑफर खोली गई है हमारे वीएलई सेंटर के माध्यम से ही, जो बच्चा रजिस्टर हो रहा है सिर्फ उसी के लिए। अच्छा, इस प्लान में सब्सक्रिप्शन लेने की अंतिम तिथि क्या है, कोई अंतिम तिथि है सर? क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था कि इस प्लान में, स्पेशल प्लान पीईटी यूपी पीईटी में सब्सक्रिप्शन लेने की अंतिम तिथि कोई निर्धारित है या फिर इसको अभी आगे चलेगा, लास्ट डेट कोई है इसके रजिस्ट्रेशन का? नहीं, इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोई नहीं रखी हमने अभी, अभी हमने इसको ओपन रखा है। क्योंकि क्या होगा, हम चाहते हैं हमारे वीएलई के माध्यम से ज्यादा बच्चों तक इसमें पहुंचे। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बच्चा अगर एग्जाम से 4-5 दिन पहले भी इसकी तैयारी करेगा तो उसको बहुत मदद मिलने वाली है, चाहे वो मॉक टेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे प्रैक्टिस टेस्ट से रिलेटेड हो, उसकी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो। तो हम इसको बांधना नहीं चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि कम से कम 15-16 तारीख तक, जब तक ये एग्जाम हो नहीं जाता तब तक के लिए खोला रहेगा, और इसके बाद भी हम स्पेशल 500 प्लान के अंतर्गत हम और भी अलग अलग इस तरह से एग्जाम्स को लेकर आएंगे हमारे यूपी स्टेट के लिए। सर यहाँ पे हम कुछ लाइव
लाइव कमेंट लेते हैं। कुछ वीएली ने सवाल किया है कि आपने जो इसकी लास्ट डेट, सब्सक्रिप्शन की लास्ट डेट नहीं रखी है, तो इसके लिए वो स्वागत करते हैं इस बात के लिए आपका कि आपने लास्ट डेट नहीं रखी है। और एक साहब हैं, उनका पूछना है कि इसका कोई स्पेसिफिक बैनर, तो जैसा कि आपने एक क्रिएटिव हमारे साथ शेयर की है, वो अपने आप में फुलप्रूफ बैनर है, वो ग्रुप में आपको शेयर कर दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से आप लोगों को पुनः से उपलब्ध करा दिया जाएगा। कुछ और सर आप कुछ कहना चाहें जो छूट रहा हूं हम लोगों से? जी मैं अजय जी, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ये जैसे हमारे एक वीएली भाई ने इसमें कमेंट किया, बिल्कुल हमारा पर्पस एक ही है कि हम अगर वैलिडिटीज रख देंगे तो हम हर चीज में एक रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, और ये तो हमने कभी किया ही नहीं है, और सीएससी के साथ भी एक ही चीज सीखी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, इम्पैक्ट करें, तो वो एक है। और जो दूसरी चीज आपने बोली, एक बैनर की तरह जो हमने एक क्रिएटिव आपके साथ शेयर किया था, जो आपके आपकी टीम के थ्रू ये सारे वीएली भाई बहनों तक पहुंच जाएगा, ये बहुत अच्छा है। इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें, हम अपने सेंटर के बाहर लगाएं, तो हमारी फुटफॉल जितनी भी आ रही है उन सबको मालूम चलेगा, और हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको लेके जा पाएंगे। सर ये सही कहा आपने कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसको बच्चों तक अवेयर कराना, क्योंकि जब 35 लाख बच्चे हैं तो वो हमारे आसपास के ही बच्चे होंगे, हमारे पड़ोस के ही घर के बच्चे होंगे, क्योंकि हम इससे फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं रखते और अपने पास उपलब्ध सेवाओं सुविधाओं के बारे में लोगों को अपडेट नहीं कराते। तो ऐसे में हमारी अपील होगी सभी बीएलई भाइयों से कि एक तो अपने सीएससी की ब्रांडिंग आप बेहतर करें, जो आप लोगों को ब्रांडिंग बताई गई है, साथ ही साथ मेरा निवेदन होगा कि आप सभी लोग इससे संबंधित जो बैनर है A4 साइज पे प्रिंट कर सकते हैं, या जितनी भी बड़ी साइज में फ्लैग प्रिंट करा सकते हैं, करा करके अपने सेंटर पे जरूर लगाएं। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर आपके यहाँ से तैयारी किया हुआ बच्चा अगर इसमें पार्टिसिपेट करता है और कहीं उसे नियुक्ति मिलती है तो ये गौरव का विषय होगा आपके लिए, हमारे के लिए, हमारे लिए और साथ ही साथ हमारे सहयोगी संस्था के लिए भी। तो यहाँ पे ये एक, मैं एक और भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि अगर ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आती है तो निश्चित ही हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे उस वीएलईज को। सर जैसा कि आपने पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसे शेयर किए हैं। जी 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 सो अजय जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, हम एक अश्योरेंस दे रहे हैं कि जब सक्सेस स्टोरीज आएंगी और वो हमारे VLEs के माध्यम से ही आने वाली हैं, तो हम सरकारी परीक्षा की तरफ से अपने उन सब स्टूडेंट्स को जिनकी सक्सेस स्टोरीज आएंगी और उन सब VLE भाई बहनों को जिनके थ्रू वो स्टूडेंट्स आए होंगे, हम अवार्ड्स भी देंगे और एक किताब बनाएंगे जिसमें उनके स्टूडेंट्स की टेस्टिमोनियल्स हमारे VLE भाई बहनों की के बारे में, उन्होंने किस तरह का इसमें इम्पैक्ट किया और किस तरह से पूरे यूपी के स्टेट के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूं सरकारी परीक्षा टीम के माध्यम से कि सारे बच्चे जो सक्सेसफुल रहेंगे इस यूपी एसएसएससी पीईटी के एग्जाम के अंदर, उन सबको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और जितने भी हमारे वीएलई हैं जिनके माध्यम से ये बच्चा आया उन सबको भी रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर हमारे पास उस तरह से रिपोर्ट आएगी, जो हम अजय जी पहले कर चुके हैं आपने और हमने, तो इस पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे कुछ वीएलई जिनको इनको और हमारे स्टूडेंट्स को ये रिवॉर्ड्स मिले, तो उस तरह की चीज को जरूर करेंगे दोबारा से। अभी एक वीएलई है सर साहिब जी, वो लिखते हैं कि क्या वीएलई सेल्फ के लिए भी कोई ऑफर है क्या, अगर वीएलई स्वयं ये एग्जाम देना चाहे तो? बिल्कुल, ये सब कर सकते हैं, वीएलई के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जी ये बहुत अच्छा है, वीएलई को भी एग्जाम देना चाहिए ये वाला जरूर, और अगर वो देना चाहें तो उनके पास तो सबसे अच्छा तरीका है, वो अपने ही सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ही अपने आप को एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करें, क्योंकि आपको तो हर स्टूडेंट को रजिस्टर करने पे भी एक कमीशन मिलती है, और इसमें बहुत मेहनत करें, एग्जाम को अगर क्लियर कर लेंगे तो आपको तो रिवॉर्ड भी दो तरीके से मिलेगा, वो कैश रिवॉर्ड होने वाला है आपको एज अ स्टूडेंट भी, और कैश रिवॉर्ड होगा आपको एज अ वीएलई भी, तो आपके पास तो तीन तरफ से पैसे आने वाले हैं, एक आपके पास आपकी कमीशन जब आपने रजिस्टर किया, एक आपकी आपका अवार्ड कैश अवार्ड जब आपने स्टूडेंट की तरह सक्सेस पाई, और एक आपके लिए कैश अवार्ड क्योंकि आप ही वीएलई थे जिसने अपने आपको रजिस्टर किया था, तो बिल्कुल ये सब हो सकता है। जी
सर एक आशीष कुमार प्रजापति जी हैं, इनका सवाल है कि आई हैव फिल्ड एट लास्ट एटलीस्ट 60 यूपी पेट फॉर्म, आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर दिस स्कीम। इनको आपको ये इसका एक हम पीडीएफ पे प्रोसेस मैनुअल बना है, वो प्रोसेस मैनुअल आपको दे दिया जाएगा। और चूंकि ये अभी लॉन्च हुआ स्पेशल प्लान, अभी 2-4 दिन ही हुए, इस वजह से हो सकता है अभी आप एक्सप्लोर ना कर पाए हों, और वो चीज स्पष्ट तौर पे आपको पीडीएफ यूजर मैनुअल के साथ आपके जिले के डीएसके में अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आपको इसकी सूचना आसानी से मिल जाएगी। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, हम ये वाली प्रेजेंटेशन भी आपके साथ इमीडिएटली अभी शेयर कर लेंगे इस सेशन के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें जो लॉगिन डिटेल्स के सारी स्लाइड्स हैं उसको भी हमने हिंदी में डाल दिया है, तो उसको भी एक अलग तरीके से, ये दो फाइल्स हम आपके साथ इमीडिएटली शेयर कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज जो भी शुरुआत करने के हिसाब से हमने इस पे काम किया है, आज बातचीत की है, चर्चा की है, शुरुआती संदेश हमने बीएलई को देने की कोशिश करी है, और बीच में फिर से एक बार हम इसकी सफलता को लेकर के और आप लोगों के द्वारा लाए गए स्टोरी को लेकर के भी एक कार्यक्रम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को, अपने आसपास के छात्रों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि देखिए शिक्षा और हर आदमी सफलता पाना चाहता है, और सफलता पाने के लिए जो भी माध्यम होते हैं, टूल होते हैं, अवेलेबिलिटी के आधार पर लोग उसको अवेल करते हैं, लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एंड पे कमी रहती है, हम लोग चीजों को उस तरीके से लेकर के आगे नहीं बढ़ते। तो निवेदन फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बीएलईज के साथ कि अपने केंद्र की एक अच्छी ब्रांडिंग करें, ब्रांडिंग करके हम तक पहुंचाएं, हमें खुशी होगी। साथ ही साथ यूपी पेट का पोस्टर बैनर अपने सेंटर पे लगाएं, और निश्चित ही इस शुभकामना के साथ कि बहुत अच्छा आप लोग रिजल्ट लेके आएंगे, आपके यहाँ से जो भी अच्छा रिजल्ट आएगा उसको लेकर के हम लोग आगे कुछ प्लान करते हैं। मैं चाहूंगा राजीव सर, अब अंतिम चलते चलाते आप एक बार अपना विश करें, उसके बाद फिर हम आपको सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं, सेशन का अंत करते हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद आप सब लोगों का, और उम्मीद रखते हैं कि ये बहुत भर के हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे बच्चों की। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर आपका, और सभी वीएलईज का जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए, और इसी शुभकामना के साथ कि आगे हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें। जी लेकिन कम से कम 30 लाख तो हम लेके आएंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ आप सभी का धन्यवाद, आज की मुलाकात में आप सभी ने अपना एक कीमती समय दिया, धन्यवाद।